आप सब सोचते होंगे कि मैं इतने लेट लाइव मतलब लेट नाइट लाइव आई क्यों, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे शेयर करनी है, शायद इसलिए आई हूँ। शेयरिंग कब करते हैं, कर चुकी हूँ, मेरा एक ही बार होता है, मैं डिनर और शेयरिंग एक ही बार करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। हेलो हेलो, जो मेरे साथ हो रहा है काफ़ी टाइम से और जो मैं देख रही हूँ कि मैं सह रही हूँ, पर कुछ टाइम ऐसा होता है कि इंसान को कंट्रोल नहीं होता है कि यार कितने दिन तक। तो एक लड़की है जो लाइव आई थी काफ़ी टाइम मतलब कुछ दिन पहले ही, किसी ने ज्वाइन किया था, मैं उसका नाम मेंशन नहीं करूँगी, बट आप सब ने वो लाइव देखी होगी। उस लड़की ने आकर काफ़ी चीज़ें मेरे बारे में बोली थी, मुझे काफ़ी बददुआ वगैरह दिया था लाइव में, मुझे गाली एंड ऑल दिया था। तो मैं वो सारी चीज़ें देखी सुनी, बट मैं आप सबसे यही कहूँगी कि इसमें मेरी कोई चलो ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है। अगर मैंने किसी पे विश्वास किया तो वो कोई गलती नहीं है। हाँ, अगर कोई मेरा विश्वास को हर्ट कर रहा है वो गलत है। तो वैसे ही मैंने एक पेज के साथ मतलब एक पेज था, मुझे उससे मैसेज आया था कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, एक स्टोरी बनाकर डाल दो। ऐसे मुझे काफ़ी सारे आते, बट मुझे सामने उनका दिखा तो मैंने उनके लिए मैंने देखा, मुझे सही लगा क्योंकि उन्होंने मेरे से बहुत अच्छे तरीके से बात किया। तो मैंने उनका स्टोरी बनाकर मैंने अपने क्या बोलते हैं स्टोरी पे मैंने पोस्ट किया। पोस्ट करने के बाद उस लड़की ने इन्वेस्ट किया पैसे, आई थिंक 15,000। तो उसके बाद इसमें मतलब उसकी गलती नहीं है, चलो मैंने डाला, मुझे नहीं पता था वो फ्रॉड निकलेगा, बट वो फ्रॉड निकला, ठीक है। तो अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने उस इंसान को बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, उसने मेरा भी कोई रिप्लाई नहीं दिया, कुछ नहीं किया, बट फिर भी मैंने उस लड़की से बात करने की कोशिश की, चलो कोई बात नहीं मैं उससे बात करूंगी। मैंने उस लड़की से बात की, मैंने उसका पेमेंट मैंने उसको उसने जो पैसे दिया था मैंने उसको अपने जेब से पैसे दिए, ठीक है, इसमें मेरे को कोई फ़ायदा नहीं। इस इंसान के बारे में बोल रही हूँ, तो उस इंसान ने आज स्टोरी डाला कि क्या नाम है, उधर से कुछ नहीं हो रहा बट मैंने इधर से अपना कर दिया है, ठीक है। उसका मतलब ये है कि मैं उस लड़की का कोई हेल्प नहीं करी, मैंने कुछ नहीं किया। और अगर मैं तो इतना ही बोलूँगी कि भाई सुनो मेरी बात, ये सुन लो, तुम्हारी ऐसी ऐसी चिट्ठे हैं ना, अगर मैं पब्लिक के सामने ला दी ना तो तुम्हारा बांडा फूट जाएगा। मैं चुप हूँ, मैं शांत हूँ, तो मुझे शांति रहने दो तुम, ठीक है। बहुत दिन से मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपने ज़िंदगी में खुश रहो, ऐसे तुमने मेरी ज़िंदगी हराम बना दी है और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी और हराम बनाओ। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे डिफेम करने की कोशिश मत करो। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारा चेहरा पब्लिक में, यार पब्लिक तुम्हें ना क्या बोलो, खैर बर्दाश्त, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, बट इतना याद रखना कि ऊपर वाला कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है। अब मुझे डिफेम करने की ना कोशिश बिल्कुल भी मत करना। तो बस यही सारी चीजें हैं कि फेक मत बनो, जो हो वो दिखाओ, जैसे हो वैसे दिखाओ, ठीक है। ये सारा ड्रामा करके ये करके तुम बहुत बड़े हीरो और बहुत बड़े ये नहीं बन जाओगे, जैसे हो वैसे दिखाओ। बहुत सारी चीजें मैंने सह ली है, अब एक बार भी मेरे पे आया ना कोई भी चीजें, मेरा नाम बदनाम किया, मेरे नाम पे लेकर तुम जो मेरे सर्कल पे ही जो तुम बैठ बैठ के जो तुम मेरी बुराई कर रहे हो, मेरी सारी चीजें कर रहे हो ना, भाई थम जाओ,
थम जाओ, बहुत सारी चीजें देख रही हूं मैं, अब बर्दाश्त नहीं होगा मुझे। ये जो मीठी मीठी बातों से जब इंसान को ले रहे हो ना, मीठी गोली बनने की कोशिश कर रहे हो, आ जाओ लाइन पे, आ जाओ अपने, तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है? क्योंकि ये बात तुम भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। तो गाइस, बस मैं इतना ही बोलूंगी कि जिस जगह मेरी गलती थी, मैंने उस जगह मैंने मांगी कि हाँ मुझे माफ कर देना, मैंने गलत चीज को प्रमोट किया, मुझे नहीं पता था, मैंने विश्वास किया किसी पे और उसने मेरा विश्वास तोड़ा, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा, मुझे उस चीज के लिए कोई पैसे नहीं मिला था और ना कुछ, मैंने किसी की हेल्प करने की कोशिश की थी, और उस लड़की का अगर कुछ नुकसान हुआ तो मैंने उस नुकसान को भी भरा है। आप चाहो तो उस लड़की को डीएम कर सकते हो, आप सभी जानते हो उस लड़की की आईडी, तो आप उसको डीएम करके पूछ सकते हो। बट मैं ना, मैं ये सारी चीजें नहीं बताना चाह रही थी लाइव आकर, बट मेरे को वो सारी चीजें कंट्रोल नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि भाई मेरा बिना किए मेरा नाम क्यों खराब करना? क्यों भाई, मैं तुम्हारी जिंदगी में तो नहीं आ रही हूं, मैं तो कुछ नहीं कह रही हूं, फिर मेरे मेरे साथ ही क्यों कर रहे हो आप लोग? क्यों? मैं परेशान नहीं हो रही हूं, मैं बस ये सारी चीजें देख रही हूं कि जो चीज पे मैं नहीं हूं, प्लीज मुझे वो चीज मत करो। मुझे डिफेम किया जा रहा है, मुझे डिफेम किया जा रहा है हर चीज से, डिप्रेशन वाली वीडियो, ये वीडियो क्या है भाई? क्या डिप्रेशन? कैसी डिप्रेशन? कैसी बताओ पब्लिक को, बताओ पब्लिक को डिप्रेशन तुम्हारी? खामोश रहने दो मुझे, बहुत बेहतर होगा। आई एम सॉरी, रमजान के टाइम पे, शहरी के टाइम पे मैं आप सबको परेशान कर रही हूँ, सारी चीजें बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा मुझसे कंट्रोल, इसलिए आप सब से आके शेयर कर रही हूँ, आप सबको बता रही हूँ। प्लीज उस नजर से मत देखे। मैं नहीं कर पाती हूँ बर्दाश्त, प्लीज। बल्कि मैं तो अपनी लाइफ में चाह रही हूँ कि मैं खुश रहूँ, मैं अपनी माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, बट क्यों फिर भी मेरे को उंगली किया जा रहा है? क्यों? बस मैं यही सारी चीजें बोलने के लिए आप सबको आई हूँ। प्लीज जो दिखता है उस चीज पे मत यकीन करें, जो चीज है वो चीज पे यकीन करें, और कोई भी चीज पे इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोच लें, उसके बाद करें, बिना सोचे समझे मत करें। मैं मानती हूँ मेरी गलती है, बट आपको भी थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। उसके लिए आई एम सो सॉरी। आपको कुछ भी बुरा लगा होगा तो आई एम सो सॉरी, शायद मैं इतनी ही बात बोलने के लिए आई थी। एंड लव यू गाइस, लव यू। अभी चलती हूँ मैं, शहरी की टाइम हो चुकी। बात करूंगी, बस मेरी बात को प्लीज बुरा मत माने। मैंने जो बोला, मैं कुछ गलत नहीं बोली हूँ अपने साइड से, जो मेरे को फील हो रहा है, मैं जिस चीज को बर्दाश्त करी